तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं हैं, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है, लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा, उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। जदयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादित बयान दे दिए हैं और अब बयान जो है वो लालू प्रसाद यादव पे उन्होंने बयान दे दिया है। आपको बता दें कि गोपाल मंडल जो है हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इस बार उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के पीएम फेस होने पर जो है बयान दिया है। सबसे पहले आप गोपाल मंडल का बयान सुने कि वो किस तरीके से लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। पूरे हिंदुस्तान को के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत किए, देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, चुप रहो, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकवड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं हैं, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है, लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा, उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। कहाँ तो पटना में बैठक हुआ था, उसमें उन्होंने बोल दिया, राहुल जी आपकी मम्मी हम लोगों को कहते हैं कि हमारा बात नहीं रखता, आप कहिए तो नहीं शादी ब्याह करनी, अब शादी ब्याह कर लीजिए, हम लोग बराती जाएंगे, तो आप लोग मीडिया के जितने लोग थे हो गया, ऐसा करने से कहीं होता है, ये नहीं होता है। अभी बहुत चुनाव में टाइम है, क्या होगा नहीं होगा, मान लिए नीतीश कुमार को केजरीवाल, मान लिए सबको, मतलब कई स्टेट के लोगों ने मान लिया, जो योग्य रहेंगे, उम्र का भी अंतराल है ना, कोई धड़फड़ी है कि राहुल जी को मानेगा देश ने तब ना, वो सब बात कहीं नहीं है। ये लालू जी ने तो मान लिया है कि हम तो एक ही बात बोले ना, थोड़ा उम्र आ गया, उम्र आने से बोलने का, अब दिखे थे ना अटल जी को, उनको गुम कर दिया गया, तो उम्र होने के बाद दिमाग लचर पचर हो जाता है। लालू जी तो राहुल गांधी को बिहारी मटन भी सिखा रहे बनाने के लिए। भाई बिहारी मटन क्या सिखाएंगे, मटन कौन है, ये तो क्या कहा जाए, नहीं बोलेंगे वैसे आदमी को तो वो मटन बनाने के लिए क्या सिखाएंगे बिहारी में, लोग ने राजस्थानी मटन बनाने के लिए सीख लिया, तो बिहारी मीट क्या है, वो सब कहीं कहानी नहीं है। अभी लंबा समय है, चुनाव का टाइम है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो तय करेगा देश का जनता। तो आपने गोपाल मंडल को सुना जो कि लालू यादव पर किस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, आपने वीडियो में देखा होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जब से उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तब से जो है वो किसी काम के लायक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर वह काफ़ी गुस्से में आ गया है। तो अब देखना होगा कि जदयू विधायक गोपाल मंडल के इस बयान से महागठबंधन की सरकार पे क्या कुछ असर पड़ती है। एक तरफ वो लालू यादव को लेकर किस तरीके के टिप्पणी किए हैं जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, और दूसरी तरफ पीएम फेस को लेकर भी उन्होंने राहुल गांधी को कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम फेस है, राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं। साथ ही अब इस बयान के बाद बिहार में राजनीति जो है वो गर्म होने वाली है, बयानबाजी
बयानबाजियों का दौर चलने वाला है। क्या महागठबंधन की सरकार पे असर पड़ेगा इस बयान के बाद, क्योंकि जदयू विधायक गोपाल मंडल जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दे दिया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।